देसी घी लेंगे तवे पे। देसी घी में सीखना है। ये हम बना रहे हैं व्रत के लिए आलू की टिक्की। इसमें अगर आप नमक खाते हैं तो नमक डालिएगा। इसको हम सेक लेंगे ऐसे घी लगा के। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, नवरात्रि व्रत में इसे खाइए चाय के साथ। सारी टिक्की को ऐसे हम सेक लेंगे। ऐसे सेकेंगे दोनों तरफ। इसे हल्के हाथ से पलटते हैं। आलू नरम होता है, टूट जाएगा। सारे को ऐसे ही पलट लेंगे। टिक्कू को हम पलट लिए हैं और इसका भी सेक लेंगे अच्छे से। ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा अच्छे से सेकने के बाद। आप इसे हरे धनी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसे भी हम पलट लेंगे। इसको देखिए एकदम क्रिस्पी सीख गया है। इसे भी सारे पलट लेंगे। आलू की टिक्की बन के तैयार है। आप चाय के साथ चटनी के साथ व्रत में खाएं। आलू की टिक्की तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें।